Fresh from the success of his much talk about Dabangg Tour featuring Salman Khan and Katrina Kaif, Manish Paul is beaming with energy. He's known for his witty words and humor, but miles away from that his image, he is portraying a character in his forthcoming film Black Briefcase where he has no dialogues whatsoever. Let's know from the horse's mouth what this deal is all about. Manish Paul, thanks a lot for joining us. Pleasure is mine. लोग आपको साइन करते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपकी आवाज के लिए, आपके अल्फाज के लिए. For the first time ever, you have no dialogue whatsoever in this endeavor. You know, अपना production है तो पहली बार पैसे मिले नहीं. So you know, honestly, I was trying to do something. मुझे हर बार होता है, you know, when I do a stage show also, मेरा कोई भी reality show होता है, कोई movie होती है, so मुझे तो अलग क्या कर रहे हैं, ना, so मुझे बहुत कीड़ा उस चीज़ का, so you know, when we were planning to produce films and we were thinking क्या करें, so first idea was we'll make a short film, second was let's make Manish Paul do something different, is what my elder brother Vivek and the team said, so then this idea came along, right, you know, so जब बोला dialogues नहीं, I said let's go for it, really, thumbs up, loved it. ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, किसी ने नहीं बोला थिंक टैंक ने भाई आप यू आर नोन फॉर योर विटी वर्ड्स और वही नहीं है यार एक्चुअली वही था बिकॉज़ आई आज की डेट में एक शॉक वैल्यू बड़ी अच्छी होती है सो आप कुछ भी करो लोग मेरी फिल्म आदि लोग कॉमेडी होगी ये फिल्म का पोस्टर देख के ये क्या है सो देयर वाज अ डबल टेक ये मनीष है दूसरा ये हुआ डायलॉग्स नहीं है यू वांट टू वॉच इट ओके सो एक वो शॉक वैल्यू आ गई प्लस एक इंटेंस रोल में डार्क रोल में ग्रंजी लुक में मुझे कभी किसी ने देखा नहीं था सो आई थिंक ऑडियंस इज लुकिंग फॉर न्यूअर थिंग्स सो आई सेड चलो लेट देम सी दिस नाउ सो हाउ वुड इट वर्क वंस द कैमरास आर ऑफ वंस द लाइट्स आर ऑफ आप चालू हो जाते थे चपड़ 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 नहीं यार मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था पता मैं सेट पे मैं सबसे चुप आदमी एक ही था सेट पे वो था मैं राइट फॉर अ चेंज सबसे अलग कोने में जो आदमी बैठता था वो था मैं फॉर अ चेंज क्योंकि मैं हमेशा बीच में होता हूँ गप्पे मार रहा होता हूँ बातें कर रहा होता हूँ मजाक कर रहा होता हूँ तो दिस इज गेटिंग डेंजरस यू सी इट वाज डेंजरस मतलब मेरा अभी कल ही मैं अपने दोस्तों को फिल्म दिखा रहा था तो पहला शॉट आया ढक करके जो लुक आया सब कहते हैं पहली लुक में देखो देखिए डर लगा कि व्हाट इज दिस मैन अप टू That was the idea. So I'm a happy man agar ye convey kar paya main. So but bahut bahut maza aaya yaar karke. As we discussed before this interview, good hosting, good presenting is all about being yourself. Yeah. But being an actor is a completely different ball game altogether. So how do you switch? Yeah, see, for being a host, I'm just myself, Manish Paul. True. For an actor, I have to prepare, which I love, you know, because तभी मुझे ये डिफरेंट कैरेक्टर्स करके और मजा आ रहा है बिकॉज देन इट्स नॉट मी यू नो सो आई हैव टू लीव मनीष पॉल आउट एंड आई हैव टू मेक दैट कैरेक्टर एंटर द स्क्रीन सो वो अच्छी चीज थी मुझे फिल्म में भी जो दोस्तों ने भी देखा उन्होंने कहा इसमें हमें मनीष पॉल नहीं दिखा यू नो सो जय रमेश तुरानी जी व्हिच इज एन अचीवमेंट सो ही टोल्ड मी कहते हैं यार मुझे मनीष दिखाई नहीं मुझे तो ये कोई और ही लड़का था मैंने कहा हाँ बस सर वही आइडिया वही था तो आई थिंक अगर वो हो जाए तो आई थिंक वो तो एक सबसे बड़ी जीत होती है कैरेक्टर की How did you have to prepare for this role? What exactly went into? Number one, I had to keep quiet, which was the biggest preparation for me. मेरे को बिल्कुल मैं set पे गया. मैंने director को भी अपनी पूरी team को बोला first day. मैं sorry guys, मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा. I will not come and greet you or meet you or give you a hug. So don't mind. So पहले ऐसे हुए क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा number one, number two मुझे vanity van नहीं चाहिए. मैं जहाँ shoot करोगे वहीं बैठूँगा. So I'll share pictures with you जहाँ पे मैं literally night shoot था और vanity भी नहीं थी उन्होंने कहा सर गाड़ी में बैठ जाइए AC on करते हैं गर्मी है मैंने कहा नहीं मुझे पसीना ही तो चाहिए आदमी जब रात में घूम रहा है उसको गर्मी लगेगी ना पसीना आएगा सो मैंने कहा मुझे 15 मिनट की नैप लेनी तो मैं ये दुकान का शटर डाउन था उसके बाहर सीढ़ियाँ थी मैं उसमें लेटा और मैं 15 मिनट सोया वहाँ पे बिकॉज मैं सो भी नहीं रहा था बिकॉज ये कैरेक्टर बहुत गुस्से में रहता है ये बहुत सोचता रहता है इसकी थकान है इसके चेहरे पर इसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है सो उसके लिए मुझे था कि मैं सोऊंगा नहीं ना तो मैं और चिढ़ूंगा विच इज़ गुड फॉर द कैरेक्टर बिकॉज वो अंदर से चिड़ा हुआ इंसान है तो मैंने कहा मैं मेरे को सोना नहीं मुझे सोने देना भी मत सो मैं वही होता था 15 मिनट सोकर उठता था हाँ ठीक है आई एम स्टिल स्लीपी बट आई वांट टू शूट सो यू नो ऑल दोस थिंग्स वेंट इन यू बीन सेइंग डार्क एंड इंटेंस And that particular word gets reflected through the title as well, Black Briefcase. Yeah. Correct. So what exactly the narrative is? Yeah, actually, I won't tell you more because it's a short film, 15-minute film. So if I tell you more, it'll be 2 minutes. So this is it. This is a man on a mission. He took his black briefcase and took it.
ये क्या करने वाला है, कहाँ करने वाला है, करेगा कि नहीं करेगा, क्यों कर रहा है, ये सारे सवाल हैं फिल्म में. एंड एक बहुत प्यारा सा एक शॉर्ट मैसेज है, द फिल्म एंड्स विद अ नाइस मैसेज, सो व्हेन पीपल वॉच दैट दे गेट. Was Pushpak the film Kamal Haasan ki jo thi, was that a reference point for this film? Actually after finishing the film, yes, everybody was talking about that ki are yaar humne to socha hi nahi, Pushpak ke baad hamari aa rahi hai film which is silent. To maine kaha ha ab soch rahe to theek hai, but I don't think we can compete with Pushpak. I think Pushpak is there and it's going to stay there. It's an iconic film. We've just tried to make good cinema with a good content which people should like, and that's about it. Will this film try to exploit the range of expressions you have minus the words? Of course, yeah, because as an actor, you are always wanting to explore more, learn more. So I thought my expressions will polish. Why not? Let's go for it. And yes, it definitely helped. And mere mein aur bhi expressions hain wo through the film malum pada. I hate this notion staying relevant. You're either relevant or you don't stay at all. Yeah. So how do you, I would, you know, reframe this question. Mm-hmm. How would you nourish yourself as a presenter, as an actor? My nourishment is, I read a lot. So mujhe ye lagta hai, I need to be well fed. Okay. I should know what's happening. Yes. I should know what's happening around me. When I'm on the set, let's say, I'll give an example. Let's say I'm hosting Indian Idol. Yes. So it's not only about next contestant kaun aa raha hai. Right. That is the last thing for me. Which for everybody is the first thing ki agla kaun aa raha hai. Main kehta hu ye baad mein batana mujhe. Acha. Aas paas kya ho raha hai? What are the judges doing? Kaun sa contestant kya kar raha hai? Kiske parent kya kar raha hai? Backstage kya ho raha hai? Upar tarafe pe kaun baitha hai? Wo light jo spot wala kar raha hai, wo kitni der mein ghumata hai? Acha. So my study is studying the set. बिकॉज स्क्रिप्ट तो मुझे आई जाएगी, सो बिकॉज कंटेस्टेंट को बुलाना है वो मैं किसी भी अंदाज में बुला सकता हूँ. फॉर दैट आई हैव माई राइटर, ही हेल्प्स मी विद दैट. बट ये जो काम है ये मेरा जानना जरूरी है, बिकॉज वंस द कंटेस्टेंट फिनिशेज द सिंगिंग पार्ट, देन माई पार्ट स्टार्ट्स. सो आई शुड नो व्हाट्स हैपनिंग. सो मुझे ये होता है, मैं ये चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ. यू सेड दैट एज अ होस्ट यू नीड टू बी योरसेल्फ, बट इवन एज अ प्रेजेंटर वन नीड्स टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर. आई एम श्योर दैट यू डोंट बिहेव द वे यू डू ऑन द सेट्स ऑफ व्हिचएवर रियलिटी शो at home. Yeah. Honestly, I'm 80% the same. The only thing I don't say is hello and welcome ladies and gentlemen. Rest my energy levels are the same. Okay. I don't have to introduce my wife or my kids. Right. But generally I'm like that. You know, I like to be happy, I like to be easy. I look around. Ghar mein bhi bahut cheeze hain jo main observe karta hu. Main ghar mein bhi meri main sabki nakle utarta rehta hu. Okay. You know? So wo cheez, my daughter is picking that up now. So वो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उसमें वो चेंज आ रहा है. तो वो आजकल बात करती है ना तो एनिमेट करके बात करती है. तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की बात कर रही है तो उसके एनिमेशन से मुझे पता चल जाता है, ओके शी इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन. दैट्स लवली. सो यू नो, सो आई एम लाइक दैट ओनली ऑल द टाइम. टेल अस अबाउट दबंग टूर, सो मच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इट. या इट वाज फैंटास्टिक. आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई एम डूइंग इन लाइफ. आई एम लविंग इट. आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑन स्टेज विद वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री व्हिच इज सलमान खान. And I think the kind of respect he gives, jitna maza wo karte hain, jitna grounded aur humble wo rehte hain, aur jitni zyada izzat wo hum sabko dete hain, I think commendable hai. Itne bade star hain, unko koi zarurat nahi hai itni itna zyada hamare sath humble hone ki, but bahut acche rehte hain. Kabhi bhi wo ye nahi hota ki main to star hu to mujhe aisa treatment, baki sabko jaisa bhi karna karo. What's this new found bonding with Salman Khan is all about? We see pictures with Salman Khan and you and Kat all the time on Insta, on Twitter, on Facebook. What this trio is doing? Yeah, actually I don't know. We never planned ki okay we'll become friends now. Right. It's organic. Right. You know, it's very normal. There's a mutual thing. You know, sir likes me. Obviously I like sir. तो उनसे जब बातें होती हैं बड़ी अच्छी बातें होती हैं. हम लोग कभी भी बॉन्डिंग शोज़ रहे. या बिकॉज यू नो मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, एक इंसान से अगर सिर्फ काम की बात करते रहो ना तो वो अगला भी समझ जाता है कि मतलब हो रहा है यार, मतलब की बातें हो रही हैं. जब देखो फिल्म मांगता है, जब देखो फिल्म की बात करता है. सो आई नेवर डू दैट बिकॉज फॉर मी सलमान खान इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी. ही इज़ अ फ्रेंड, ही इज़ अ ब्रदर, और मैं वैसे ही रहता हूँ उनके साथ. मतलब बिल्कुल वो भाईजान. मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलता कि इंडस्ट्री उनको भाईजान बोलते, ही इज़ भाईजान. He's like a big brother. Right. So, you know, वो respect वाला angle है. और उनको भी पता है वो बात. Right. तो जब वो और मैं बैठते हैं तो हम काम के नहीं, हम गाने गा रहे होते हैं, हम मस्ती कर रहे होते हैं, हम लोग अपने स्टेज शोज के पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं. अरे वो वाला याद है सर क्या हुआ था, या ये याद है क्या हुआ था. सो इट्स मोर ऑफ जैसे घर में बैठ के बात करते हैं यार. तो वो वाला हाल है. So that's why with Katrina?
Katrina is pure love. Why do we see your videos more with Katrina than with Salman? I don't know. Yeah, we spend a lot of time together. She's a very, very dear friend. She knows I really like her. Yeah. I admire her. Right. So, but yeah, this was the first tour when we got to spend so much of time together. And janta main bahut pehle se hu, but time tum itna has kar rahe ho. Because there is a video doing rounds on the net which says it's like Salman Khan naraz ho gaye Manish Paul se because he is bonding with Katrina Kaif. Nahin, ye reality kya hai? यार ये रियलिटी है कि वो जो वो ब्लॉब्स बनाते हैं ना पंग सलमान खान ने ये कहा मनीष ने ये कहा बकवास है यार अरे हम हंसे मैंने भाईजान को बोला मैंने कहा क्या यार आपने मजाक में मुझे चुप करके बैठ जाओ बोला और मीडिया ने चुप करके बैठ जाओ सलमान खान हुए गुस्सा और मेरा वॉक स्लो मोशन में दिखा रहे हैं सलमान सर यूं करके देख रहे हैं मतलब मैंने कहा तो वो भी हंस रहे थे कहते हैं ठीक है ना तुम्हारी पब्लिसिटी हो रही है ना मजे करो मैंने कहा हाँ मेरी तो पब्लिसिटी हो रही है बट ऐसा कुछ नहीं है यार हम तो सारे एक साथ होते हैं हमेशा एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर तो टच वुड थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं सलमान खान की डेब्यू फिल्म का नाम बीवी हो तो ऐसी मैंने प्यार किया नहीं नहीं मैंने प्यार किया नहीं उससे पहले वो किया था ना उन्होंने रेखा जी के साथ फिल्म थी बैंग ऑन कितनी फिल्मों में सलमान खान का नाम प्रेम है At least three names you can throw at us. Prem Ratan Dhan Payo, Maine Pyar Kiya, aur kaun si hai? Aur bhi hogi yaar, badi saari. Haan re, Judwa. Okay. Salman Khan and Madhuri Dixit have worked in, I don't know, like, number of films, X number of films. Three films that come to your mind immediately. Salman and Madhuri. Hum Aapke Hain Kaun? Maine Piya Hai Kya? Dil Tera Aashik. Oh, and Sajan. Superb. Yeah. And Salman and Cat. Tiger Zinda hai. Salman Cat aur kaun? Arey wo apna ek tha Tiger. Aur, very good. Aur wo apni. Apni jisme. Marshall nahi. Govinda the. Jisme Govinda the. Arey nahi wo shaadi karke phas gaya shaadi. Mujhse shaadi karogi? Nahi. सलमान खान आपके इतने अच्छे दोस्त हैं एक डायलॉग दबंग का बिकॉज दबंग टूर एंड दबंग इज सच अ बिग फिल्म एक आपके अंदाज में सलमान की आवाज में आई थिंक उनका वाला डायलॉग ना हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और बाधे कहां से ओके थैंक्स अ लॉट सच अ स्पोर्ट बिफोर आई एम नॉट लेटिंग यू गो बिफोर आई मीन I did your intro in my style. I'm doing it again. He's a man who is known for his humor. He's smart. He's sensible. And he's absolutely spontaneous. Let's welcome Manish Paul. Wow. If you have to do it, see him for latestly.com. Hi guys, this is Manish Paul. And trust me, if you want the latest news on anything and if you want to be interviewed by one of the best hosts, this is the place.